कुछ टाइम पहले प्याज के बीज, ये जो दो पैकेट आप देख रहे हैं ये वाइट प्याज के बीज हैं, ये ऑनलाइन हम लोगों ने ऑर्डर किया था और आपके साथ शेयर भी किए थे जब ये प्याज के बीज आए थे और कुछ वेजिटेबल्स के भी बीज थे। तो आज ये जो प्याज के बीज है ना, इसका जो पहला प्रोसेस है वो स्टार्ट करने वाले हैं। तो इससे पहले भी हमारे चैनल पे एक वीडियो है जिसमें प्याज को किस तरीके से बीज से लगाया जाता है वो पूरा प्रोसेस शेयर किए हैं। तो ये प्याज के बीज देखिए बहुत ही अच्छी क्वांटिटी में आए हैं, क्वालिटी भी बहुत अच्छी है इनकी। तो इनको आज हम लोग पहले तो ये पानी में भिगो के रखेंगे 24 घंटे के लिए। तो ये देखिए प्याज के बीज की जो क्वालिटी है काफ़ी अच्छी है, काफ़ी हेल्दी बीज है और पापा बस अब इसको भिगोने वाले हैं। तो हम सोचे क्यों ना आप लोगों के साथ भी शेयर करें, व्लॉग बहुत दिनों के बाद शेयर कर रहे हैं और ये व्लॉग जो है वो सावन के टाइम का है, मतलब सावन जब लास्ट था तो एक हफ्ते रह गए थे सावन के, उस टाइम का ये व्लॉग है। कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से हम व्लॉग कंटिन्यू नहीं कर पा रहे हैं, वीडियोस नहीं शेयर कर पा रहे हैं, तो उसके लिए सॉरी है। तो यहाँ पे ये देखिए दो पैकेट प्याज है, ये करीबन दिया था इस पैकेट में कि 1000 बीज है एक पैकेट में, तो 2000 के करीब बीज है। ये इनकी गिनती क्या हो सकती है, ये देखिए आप बिल्कुल छोटे छोटे से हैं, ये मंगरायल के जो दाने होते हैं उस हिसाब से प्याज है। तो इनको 24 घंटे के लिए ढक के रख देंगे। और साथ में यहाँ पे अभी हम जो साथ में ऑनलाइन हम लोगों ने वेजिटेबल्स के बीज भी मंगाए थे उनको लगा दिया था, तो काफ़ी सारे पौधे तो हम जगह जगह लगा चुके हैं। अभी ये टमाटर के पौधे इनको भी लगाना है। तो ये आप जो पैकेट्स देख रहे हैं ना, तो ये सारे आटे के जो पॉलीथीन होती है ना, तो वो है और ये काफ़ी मजबूत होती है, इसमें आप कोई भी चीज़ आसानी से लगा सकते हैं, अलग से ग्रोइंग बैग खरीदने की ज़रूरत नहीं है, ये बिल्कुल वही काम करेगा। तो यहाँ नीचे छोटा सा ड्रेनेज होल बना दे रहे हैं और मिट्टी वगैरह सारी तैयार कर चुके हैं। तो चलिए लगा लेते हैं अब हम लोग टमाटर के पौधे। तो ये तसले में ही इस तरीके से बीज लगा दिए थे, तो जो टमाटर के जो ये प्लांट्स हैं ना, ये थोड़े से बड़े हो गए लेकिन आसानी से लग जाएंगे। और अभी तो वो काफ़ी अच्छे से लग भी गए हैं क्योंकि ये जब ब्लॉग शूट किए थे तो काफ़ी पहले का है और अभी उनकी ग्रोथ भी अच्छी हो गई है। तो इसी तरीके से सारे प्लांट्स हम लोग लगा देंगे। और ये जो ये आटे के पैकेट्स हैं ना, या सर्फ के पैकेट हो या कोई भी इस तरीके का मजबूत पैकेट हो, उसमें आसानी से आप कुछ भी उगा सकते हैं, कोई भी सब्जी या फूल पौधे कुछ भी लगा सकते हैं। तो ये देखिए सारे प्लांट्स लग गए हैं, अभी इनको शेड एरिया में रखेंगे एक हफ्ते के लिए। उसके बाद फिर थोड़ा सा जगह चेंज करेंगे क्योंकि अभी तुरंत इनको लगाए हैं तो डायरेक्ट धूप में बिल्कुल नहीं रखना है। इसके बाद चलिए बनाते हैं अब लंच, और लंच में बनाने वाले हैं आज छोले भटूरे और जीरा राइस। तो उसकी कुछ तैयारियां कर चुके हैं और यहाँ पे ये सब देखिए आप, प्याज वगैरह छील के रख लिए हैं, सारी तैयारी हो गई है लमसम। और यहाँ पे जो काबुली चने थे वो बॉयल करके रख लिए हैं, उसमें थोड़े खड़े मसाले भी साथ में बॉयल किए हैं जिससे कि छोले का जो टेस्ट है ना वो बहुत ही अच्छा आता है। और इसमें जो पानी है ना वो भी हम लोग छोले में यूज़ करने वाले हैं। तो चलिए अब छोले तैयार कर लेते हैं। सबसे पहले कुकर खाली कर लेते हैं क्योंकि इसी कुकर में जो मसाले हैं ना वो भुनने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले जो प्याज है उसको बारीक बारीक चॉप कर लेते हैं, और इसमें थोड़े जो हरे पत्ते आपको दिख रहे हैं प्याज के वो भी इसी में बारीक चॉप कर लेंगे क्योंकि पिछले साल जो हम लोगों ने प्याज लगाए थे ना, तो अभी कुछ कुछ प्याज अगर नीचे रहते हैं तो उनमें ये इस तरीके से पत्ते निकल रहे हैं, तो उनको भी साथ में चॉप कर लेते हैं। और जितने प्याज आप देखे थे वो सारे मसालों में नहीं जाने वाले हैं, थोड़े प्याज सैलेड के लिए भी रखे हैं। तो यहाँ पे देखिए ये प्याज बारीक चॉप्ड हो चुका है और साथ में ये अदरक लहसुन हरी मिर्च, इसको अच्छे से पेस्ट तैयार कर लेंगे इसका। और मिर्च यहाँ थोड़ी ज़्यादा है क्योंकि थोड़ा तीखा तीखा खाने का मन हो रहा, कभी कभी इस तरीके की चीज़ें जो होती ना वो थोड़ी सी चटपटी और स्पाइसी जब बनती तभी खाने में अच्छा लगता है, तो ये भी पेस्ट तैयार कर लेते हैं। तो
यहाँ पर छोले जो बनाने वाले हैं वो सरसों तेल में ही बनाएंगे। तो तेल गरम हो चुका है, इसमें डाल दिए थोड़े से तेज पत्ते, उसके बाद बारीक चॉप किया हुआ प्याज, और प्याज को थोड़ा सा हम लोग अच्छे से भून लेंगे जब तक कि उसका कलर थोड़ा सा पिंक से थोड़ा ब्राउन जैसा ना होने लगे। उसके बाद इसमें ये अदरक लहसुन और हरी मिर्च का जो पेस्ट तैयार किए थे वो डाल के उसको भी अच्छी तरीके से भून लेंगे। और तब तक चलिए जो टमाटर हैं उनको भी इस चॉपर में चॉप कर लेते हैं। ये चॉपर होने से बहुत सारे काम बहुत आसान हो जाते हैं। हर किचन में ये चॉपर तो होना ही चाहिए, क्योंकि इससे हर काम बहुत जल्दी हो जाता है और बहुत इजीली भी हो जाता है। तो देखिए टमाटर भी अच्छे से चॉप हो चुके हैं, बिल्कुल बारीक बारीक। तो अब चलिए इनको भी डाल देते हैं, क्योंकि इधर जो ये प्याज अदरक लहसुन का जो ये पेस्ट था ये अच्छी तरीके से भुन चुका है। तो अब टमाटर भी ऐड कर देते हैं और इसको भी अच्छे से भुन लेते हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें जब अच्छे से भुन जाएंगी तो छोले को तैयार होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। जब तक कि ये भुन रहा है हम लोग भटूरे का आटा भी लगा लेते हैं। मुनमुन को बहुत ज़्यादा पसंद है भटूरे, अगर छोले बनते हैं ना तो भटूरे बनाने ही होते हैं। तो यहाँ पे मैदा लिए हैं, उसके बाद इसमें ऐड कर दिए थोड़ा सा अजवाइन, थोड़ा सा कसूरी मेथी, और उसके बाद थोड़ा नमक, और इसमें ऐड करेंगे इसके बाद ये हरी धनिया का पाउडर जो कि घर में तैयार करके रख लिए थे, क्योंकि बारिश के मौसम में धनिया कभी कभी नहीं मिलती है तो ये पाउडर काम आ जाता है। इसके बाद एक छोटा चम्मच इसमें ऐड किए हैं चीनी, शक्कर, और 2 टेबल स्पून के बराबर ऐड किए हैं इसमें ऑयल, रिफाइन ऑयल, और यहाँ पे 2 बड़े चम्मच ऐड कर रहे हैं दही। अब इन सारी चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे और इसके बाद एक अच्छा सा डो तैयार करेंगे पानी की मदद से। तो चलिए फटाफट से ये भटूरे का आटा लगा लेते हैं, और इसके लिए हम इसमें इनो वगैरह कुछ नहीं ऐड कर रहे हैं, ये ऐसे ही बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही फुले फुले भटूरे तैयार होंगे इससे। बस आटा भटूरे बनाने से आधे से 1 घंटे पहले अगर लगा के रख लेते हैं तो बहुत अच्छा है, नहीं तो आधे घंटे पहले तो ज़रूर लगा के रखिए और इस तरीके से इसे ढक के रख दीजिए। तो इधर ये प्याज टमाटर वगैरह सब अच्छे से भुन चुका है। अब इसमें सूखे मसाले ऐड करेंगे, 1 छोटा चम्मच हल्दी का, 1 छोटा चम्मच काश्मीरी लाल मिर्च, 1 छोटा चम्मच गरम मसाला, और 1 चम्मच इसमें ऐड करेंगे अमचूर पाउडर। अमचूर पाउडर ऐड करने से छोले में जो खटास आएगी वो बहुत ही अच्छी लगेगी खाने में। तो अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके थोड़ा सा और पका लेते हैं। और ये देखिए सारे मसाले बहुत ही अच्छे तरीके से पक गए हैं, तेल भी अलग होना शुरू हो गया है। तो इसको अच्छे से एक बार चलाते हैं, और जो काबुली चने हमने बॉईल करके रखे थे वो पानी के साथ इसमें ऐड कर देंगे। पानी इतना ही हम डाल के उबाले थे जितना कि उससे ग्रेवी अच्छे से तैयार हो जाए और छोले भी अच्छे से उबल जाए। तो ये सारा पानी इसमें ऐड कर दिए टेस्ट के अकॉर्डिंग। अब इसमें नमक ऐड करेंगे और कुकर को बंद करके 2 से 3 सीटी आने तक पकने देंगे। इसके बाद हमारा जो ये छोला है वो बिल्कुल तैयार हो जाएगा खाने के लिए। थोड़ा बोल दे। हाँ बोल दे, अकेले हम ब्लॉगिंग करते हैं, नहीं करते हैं, प्लीज थोड़ा सा। चैनल है मेरा, नहीं मेरा है तो तुम्हारा भी तो है, तुम्हें मम्मा का चैनल है ना। थोड़ा सा रिश्वत में आज तुमको बढ़िया वाला लंच मिलेगा। छोले भटूरे बोलोगी ना? बोलोगी ना? पक्का सिखा तो सहूर नहीं है बोलने का। बोलेगी ना? माताजी, ये माताजी मेरा बोल करोगी तो बताएगी। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, और हम लोग कैसे हैं वो तो आप देख ही चुके हैं। बहुत अच्छा बना ही चुकी हूँ, मेरा बाल मस्त के। नहीं ये तो प्यारी है ना, प्यारी है कि नहीं आप लोग बताइएगा। और आज दोनों माँ बेटी पिंक पिंक। हाँ प्यारी थी, अब बात करने दो, तुम तो करने वाली हो नहीं। तो आज हम दोनों पिंक पिंक ड्रेस पहने हैं, कलर पिंक है दोनों का, और हम लोग की चुटिया भी सेम सेम है, पिंकी पोंकी। तो ये
ये एक बार नहीं अक्सर होता है, कभी भी प्लान नहीं होता, लेकिन अक्सर हमारा, मम्मी का और मुनून का ऐसा हो ही जाता है कि हम लोगों के जो ड्रेस का जो कलर होता है ना, वो अक्सर मैच कर जाता है और फिर बहुत अच्छा लगता है देख के कि वाह, बिना प्लानिंग के ऐसा हो जाता है। कॉन्फिडेंस बहुत बढ़िया क्यूट वाला है ना। तो अभी आप लोग देखे कि आज हम लोग प्याज के जो बीज थे वो जर्मिनेट करने का प्रोसीजर स्टार्ट कर चुके हैं। बहुत तेज बोल रहे हैं, बहरे हो जाएंगे हम, बहरेपन के शिकार हो जाएंगे। तो वो भी स्टार्ट हो गया है, अब कल उसको, अभी तो पानी में भिगो के रखा गया है, कल उसका अगला प्रोसीजर जो होगा वो भी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। और रोज रोज ना मौसम ऐसा हो रहा था कि एकदम लगता था खाना ही ना खाया जाए, लेकिन कल से शाम से थोड़ा मौसम अच्छा हो गया है। तो आज बनाए हैं, बना रहे हैं छोले भटूरे। छोले तैयार हो गए हैं, भटूरे का आटा लगा दिया, जीरा राइस बना चुके हैं। तो आज मुनमुन की ट्रीट है, क्योंकि मेरे घर में ना अगर छोले बनते हैं और मुनमुन को भटूरे नहीं दिए जाते हैं तो मुनमुन सीधे बोलती है कि फिर हमको छोले भी मत देना। तो इसलिए भटूरे बनाना एकदम कंपल्सरी हो जाता है अगर छोले मुनमुन को खिलाने हैं तो। आप कुछ बोलना चाहेंगी? बोलिए बोलिए। अरे बोल दीजिए, अरे बोल दीजिए। क्या आप कब से शर्माने लगी? हम तो नहीं आई थी बेशरम वजह से। मेरा नाम होना चाहिए श्रियांशी सिंह बेशरम। तो थोड़ा हम पकड़ लें, मैं तो हाथ ही आ रही हूँ। तो आज हम लोग जो लंच बना रहे हैं वो बहुत यमी सा है। तो अब चलिए आज बोलो ना, ऐसे घूमेगा तो अच्छा लगेगा। ये तो मेरा गैम्बल बन गया, फ्री का गैम्बल। गैम्बल चल कैसे रहा है? ये देखिए, ये मेरी बैसाखी है, आजकल मेरा फोन इसके सहारे चलता है। तो बिना बैसाखी के आजकल हम एक कदम भी नहीं चल पाते हैं, एक सेकंड भी नहीं चल पाते हैं। ये फोन से कनेक्ट रहता है तो ही आप लोगों के पास तक ब्लॉग या वीडियो पहुंचती है। फोन की हालत बहुत दयनीय है और देखिए कब तक एक अच्छा सा फोन ले पाते हैं। तुम कुछ ज्यादा ही नचा रही हो, चलो तो तुम वीडियो नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। तो देखिए कब तक एक अच्छा सा फोन ले पाते हैं, क्योंकि अब की बार लेंगे तो कुछ मतलब वीडियोस वगैरह बनानी होगी, उस हिसाब से एक अच्छा फोन लेना होगा। और ये फोन भी मेरा काफी पुराना है, 5-6 साल तो आराम से हो गए इस फोन को, और प्रॉब्लम शायद बैटरी में भी है और डिस्प्ले भी ब्लैक होते जा रहा है धीरे धीरे करके। तो मुश्किल होती है, लेकिन ठीक है अभी मैनेज जैसे जैसे कर रहे हैं। जब होता है ना कि जब संजोग होगा तो ही वो काम होगा, तो जब किस्मत में होगा तो नया फोन लेंगे, अभी वो संजोग बैठ नहीं रहा है। ये इसकी चुटिया है और ये मेरी बिटिया है, ये इसकी चुटिया है और ये मेरी बिटिया है, ये इसकी चुटिया है और मेरी बिटिया है। तो चलिए अब बहुत हो गई बकबक हम लोगों की, अब कर लेते हैं पेट पूजा। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट साथ में है कि अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वो तो वीडियो पसंद आने पे ना, लाइक शेयर इतना। हाँ फिर भी काफी सारे लोग, सीधी बात नो बकवास, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, बस बात खत्म। कैसा लगता है यार, सामने कोई नहीं बैठा रहता, फिर भी कैमरा में देख के बड़बड़ बड़बड़ करते रहो जैसे कोई सुन रहा हो। हाँ पहले बहुत अजीब लगता था, ऐसा लगता था कि यार ये क्या कर रहे हैं, कोई है नहीं और किससे बातें कर रहे हैं। लेकिन जब तक ना करो ना तब तक ऐसा ही लगता है, लेकिन एक बार कैमरा ऑन करके स्टार्ट हो जाओ ना फिर ऐसा लगता है कि आप लोग स्क्रीन के उस साइड हैं, हम लोगों को देख रहे हैं, है ना। सब्सक्राइबर होने के बाद ऐसा लगता है, ऐसा लगता है कि स्क्रीन के उस तरफ से आप लोग हम लोगों को देख रहे हैं। ये आंखें, ये बातें की मस्ती में मस्ताने हजारों हैं। तो ये हमारे घर की, हमारे ब्लॉग की, सबकी जान है ना, जान है तो मेरी जान है, वो तो प्यार है। चलिए अब बना लेते भटूरे। अरे अब चलने दो, 3-4 बार बोल चुके हैं कि चलिए भटूरे बना लेते, चलिए तो चलिए बना लेते हैं भटूरे। और भटूरे का आटा जो था वो 1 घंटे पहले ही लगा के रख दिए थे, तो ये बहुत ही अच्छे से फूले फूले तैयार होंगे। और साथ ही ये देखिए छोले भी तैयार हो गए हैं और इनका कलर देखिए बहुत अच्छा है, उतना ही टेस्टी ये बना भी था। तो फटाफट से अब भटूरे तैयार कर लेते हैं। और भटूरे बहुत बड़े बड़े नहीं बना रहे हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा जब बड़े बनाते हैं ना तो मुनमुन ऊब जाती है देख के कि इतना बड़ा बड़ा सा भटूरा है।
तो ये देखिए हमारे भटूरे कितने अच्छे से फूलते हैं बिना इनो के। और जब जल्दी होती है ना और टाइम कम होता है तब उस टाइम पे हम भी इनो का यूज़ कर लेते हैं, तो वैसे भी भटूरे फूल जाते हैं और बिना इनो के भी ये देखिए बहुत ही अच्छे से फूले फूले भटूरे तैयार हो गए हैं। ये रही हमारे लंच की थाली छोले भटूरे और जीरा राइस। तो अगर आज की आपको ये छोले की रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। कैसा बना है? मेरे को चिकन की कमी महसूस नहीं हो रही है। क्या हुआ? इसको खाकर चिकन की कमी महसूस नहीं हो रही है। चिकन जैसा लग रहा है। सावन में तुम चिकन पाओगी अभी खाने के लिए बिट्टू? चलो खा लो। सच्ची फाइव में से फाइव। चलो चलो खाओ। तो लंच तो मुनमुन को बहुत पसंद आया और उसके बाद शाम में कुछ इस तरीके का मौसम हो गया था और बहुत बारिश हुई थी। तो चलिए मिलते हैं किसी नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।